मैं एक बार मुकेश अंबानी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक इंटरव्यूअर उनसे पूछती हैं, मुकेश जी आप दुनिया के सबसे महंगे घर में रहते हैं, कोई बोलता आपका घर 16,000 करोड़ का है, कोई बोलता 20,000 करोड़ का है, आपको कैसा लगता है? तो बोला मैडम हम घरों में नहीं रहते हैं, हम अपने दिमागों में रहते हैं। ये घर तो दुनिया को दिखाने के लिए रहता है, हम तो अपने माइंड्स में रहते हैं। एक बार एक तालाब था, उसमें छोटे छोटे कीड़े थे, कैटरपिलर जैसा है ना, वैसे वैसे छोटे छोटे कीड़े, और वो लोग इस बात से परेशान थे कि ऊपर क्या होता है। जैसे आप समझो हम यहां हैं, तो ये जो ऊपर है ना इधर, इसके ऊपर क्या होता है। बार बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि कोई ऊपर जाएगा, ऊपर से खबर लाएगा, नीचे क्या हो रहा है हमें बताएगा, लेकिन कोई आता ही नहीं था। जैसे कोई एक ऐसे लगता था एक दुनिया पानी के नीचे, एक दुनिया पानी के ऊपर, यार दैट काइंड ऑफ सेटअप इज देयर। इस बार उन्होंने सोचा कि एक आदमी को प्रतिनिधि बना के भेजा जाए और उसको ये बोला जाए भाई तू जा और पता करके हमें बता। और इस बार उसने वादा किया था मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, ऊपर जाना चाहता हूँ, और मेरा प्रॉमिस है मैं ऊपर जाके सब पता करके नीचे लाऊंगा। तो कमेटी में मिटी हुई, उसको तिलक विलक कर दिया गया और उसको भेजा गया शेर को कि जा तू पता लिख कर ऊपर क्या होता है। तो वो अपना जो होता है ना तना होता छोटा लोटस का, ऐसे नीचे रूट से धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर मस्त धूप वूप थी, उसने बोला थोड़ा चिल करते हैं, तो वो लोटस के पत्तों पे थोड़ा बैठने लगा, वो थोड़ा ऐसे आराम से मस्ती से धीरे धीरे समय निकल रहा। जैसे जैसे धूप होने लगी वैसे वैसे उसकी बॉडी में कुछ कुछ परिवर्तन से होने लगे, अजीब अजीब सा होने लगा उसकी बॉडी में, और विंग्स जैसे आने लगे उसको धूप में, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन वो बहुत उत्साहित था। अब उसको लगा विंग्स, अब क्या होगा इससे, अब वो चल नहीं पा रहा है, वो उड़ रहा है राइट नाउ, अब वो ऐसे 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 कर रहा है, उसे बहुत मजा आने लगा यार। और कुछ दो चार और भी उड़ रहे थे, तो अब उनके साथ उसने ज्वाइन कर लिया, अब वो उड़ रहा है मस्ती कर रहा है, और उसको एक नई दुनिया मिली, नई जिंदगी सी मिल गई उसको। और रात हो गई, अब अचानक से वो सो गया वहीं कहीं पत्ते पे, सुबह हुई फिर से वो उड़ना शुरू किया और नीचे देख रहा है, अरे बेटा ये तो वही है सोनू मोनू दीपक गौरव ना रश्मि मनीषा सब, ये तो भाई अपने दोस्त हैं यार, कसम खाई थी इनको बताएंगे, अब मैं नीचे जाके बता के आता हूँ कि ये दुनिया तो इधर अलग, इधर मस्त लाइफ है, नीचे छोड़ो और ऊपर आ जाओ। अब वो जैसे ही पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है, अब वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि इस बॉडी इज एंटायरली डिफरेंट है, अब वो डूबने लगता है और उसके पंख गीले होने लगते हैं और उससे उसको सांस घुटने लगता है, नहीं जा पा रहा नीचे। बहुत कोशिश किया उसने और वो ऊपर से ऐसे कर रहा है, मैं ही हूं। नीचे वाले जो है उनको, क्योंकि उन्होंने तो ये भेजा था इधर वाला आइटम ना, उनको ये समझ नहीं आ रहा ये वही वाला है करके, वो पहचान भी नहीं रहे उसको। और बहुत देर वो दुखी परेशान होता रहा और आखिरी में कुछ मिला नहीं, तो दो कुछ दोस्त थे उनके साथ में वो उड़ता रहा। और रात को जब वो सोच रहा था तो उसे लगा कि जिंदगी में चार बातें तय हैं। नंबर एक, अगर किसी नई दुनिया की कल्पना करते हो और किसी नई दुनिया की चाहत है तुम्हें, तो स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी वाली दुनिया छोड़नी पड़ेगी। दुनिया मतलब ऐसा नहीं इधर से छोड़ के ऊपर जाना है। दुनिया मतलब मैं एक बार मुकेश अंबानी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक इंटरव्यूअर उनसे पूछती हैं, मुकेश जी आप दुनिया के सबसे महंगे घर में रहते हैं, कोई बोलता आपका घर 16,000 करोड़ का है, कोई बोलता 20,000 करोड़ का है, आपको कैसा लगता है? वो बोला मैडम हम घरों में नहीं रहते हैं, हम अपने दिमागों में रहते हैं। ये घर तो दुनिया को दिखाने के लिए रहता है, हम तो अपने माइंड्स में रहते हैं। सो इफ यू वांट अ न्यू लाइफ यू नीड टू हैव करेज टू लीव द ओल्ड लाइफ, ओल्ड माइंडसेट नंबर वन। नंबर टू, ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीट। जब आप अपनी पुरानी लाइफ को देखें तो आपको यकीन ना आए कि ये मेरी पुरानी लाइफ थी, इतना बदल गया वो, अब उसको भी यकीन नहीं होता कि ये लाइफ मेरी पुराने वाली लाइफ थी, राइट? वापस जा ही नहीं सकता, लाइक यू आर ए टोटली न्यू पर्सन, चाह कर भी आप दोबारा उस हाल में नहीं जा सकते। इतना बड़ा करना ना अपने को कि कभी 1,00,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 2,00,000 रुपए के लिए सोचना पड़ता था, हम चाह कर भी वो दिन हमें याद ही ना आए, इतना बड़ा कारनामा अपने को जिंदगी में कर लेना चाहिए, राइट? नंबर टू। नंबर थ्री, जब आप बदलाव करेंगे ना तो आपके अपने लोग, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, आपकी नीयत नहीं है छोड़ने की, लेकिन वो छूट जाएंगे बिकॉज नाउ यू आर ए डिफरेंट पर्सन। उनके बगल में भी खड़ा हो जाएगा ना ड्रैगन फ्लाई जाके उधर, तो भी वो बोलेंगे ये
अपना दोस्त नहीं है जिसको हमने भेजा था, राइट? यू हैव टू पे दिस प्राइस, सम ऑफ योर पीपल विल बी लॉस्ट। दिल बहुत दुखी होता है इस बात पे, बहुत बार यार अपने लोग छूट गए, दोस्त लोग छूट गए। मेरे स्कूल और कॉलेज के ग्रुप्स हैं, कई बार वो लोग मुझे बोलते हैं तू बदल गया, तू बड़ा आदमी बन गया, अब तो हमारे ग्रुप के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं करता, हम व्हाट्सएप पे इतनी सब बातें करते हैं, लेकिन अपने को वो बात जमता ही नहीं है। और इतनी देर में मैं उनके चुटकुले पे हंसूं, इतने में चार पांच लोग कुछ और चुटकुला डाल देते हैं उसमें, राइट? मैं पीछे भी हो जाता हूं, कई बार मैंने कोशिश भी किया, बट आई कैन नॉट गो बैक टू दैट कन्वर्सेशन, राइट? देन व्हाट कैन यू डू? फोर्थ थिंग, ऐसे कुछ लोग और ढूंढो जो तुम्हारी तरह उड़ रहे हों, और उन दो नए दोस्तों के साथ उड़ते रहो, क्योंकि कोई ना कोई नीचे इंसेक्ट आपको उड़ते हुए देख के एक दिन ये बोलेगा, यार अपने को भी लाइफ में वैसे ही उड़ना है, राइट? सो कीप गोइंग अप, कीप गोइंग अप, कीप गोइंग अप। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट है। और हर बार ना, हर साल आप लोग शुरू करें तो आपका 2022 2021 की कंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, 2022 शुड बी अ न्यू बिगनिंग, 2023 शुड बी अ न्यू बिगनिंग, लाइक दैट वी शुड डू।